गुलबर्गा शहर में वार्ड नंबर 24 के बाद आज फिर एक बार थर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वार्ड नंबर 36 के इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर को डिस्क्वालीफाई कर री इलेक्शन करवाने का आदेश दिया है। वार्ड नंबर 36 में शंभुलिंग पाटिल ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़कर जीत हासिल की थी। शंभुलिंग पाटिल के इलेक्शन जीतने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में श्रीमती आरती तिवारी एडवोकेट और कांग्रेस कैंडिडेट चन्नाबसैया स्वामी के जरिए इलेक्शन पिटीशन डाल ये दावा किया गया था कि विनिंग कैंडिडेट शंभुलिंग पाटिल ने एफिडेविट में काफ़ी कुछ गलतियां की हैं, जिसके लिए इस कॉर्पोरेटर को डिस्क्वालीफाई करना जरूरी है। एफिडेविट में की गई गलतियों पर गौर कर बीजेपी कैंडिडेट सूरज तिवारी की वाइफ एडवोकेट आरती तिवारी ने एज ए वोटर और कांग्रेस कैंडिडेट चन्नाबसैया स्वामी की तरफ से एडवोकेट अरुण कुमार किन्नी ने कोर्ट में पिटीशन सबमिट किया था। इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर शंभुलिंग पाटिल ने इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। थर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आज शंभुलिंग पाटिल को डिस्क्वालीफाई किए जाने के बाद पटिशनर श्रीमती एडवोकेट आरती तिवारी और सेकंड पटिशनर के एडवोकेट अरुण कुमार किन्नी ने गुलबर्गा हेडलाइन से बात कर इस केस की डिटेल बताते हुए कहा, कॉर्पोरेटर शंभुलिंग पाटिल ने इलेक्शन के दौरान अपने एफिडेविट में क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टी डिटेल्स, बैंक अकाउंट और दीगर डिटेल्स छुपाते हुए गलत एफिडेविट सबमिट किया था। बीजेपी कैंडिडेट सूरज तिवारी की वाइफ एडवोकेट आरती तिवारी ने एज ए वोटर और कांग्रेस कैंडिडेट चन्नाबसैया स्वामी इन दो अलग पेटिशनर्स ने कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस किए थे, जिसकी बुनियाद पर कॉर्पोरेटर शंभुलिंग पाटिल को डिस्क्वालीफाई किया गया है। इस केस से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। मेरा नाम आरती तिवारी एडवोकेट है। मैं माजी सदस्य महानगर पालिका और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुकी हूँ। हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 36 में जब महानगर पालिका के इलेक्शन हुए वहाँ पर पांच कंटेस्टेंट्स थे और उनमें से जो रिटर्न कैंडिडेट या इलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करके विन हुए हैं। डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह स्क्रूटनाइज और स्क्रूटनी के टाइम पे भी ऑब्जेक्शन वगैरह किया गया था, बट वो कंसीडर नहीं करे। इसके लिए सर्टिफाइड कॉपीज लेके कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल हुआ था। वो अपने सारे एसेट्स लायबिलिटीज़ को हाइड करके अफिडेविट में झूठा अफिडेविट देके इलेक्शन कमीशन के सामने भी और काफ़ी सारे झूठे अफिडेविट्स कोर्ट में भी दिए हैं, और उस वजह से क्या है, कोर्ट ने आज हमारा पिटीशन एक्सेप्ट किया है। इलेक्शन ऑफ वार्ड नंबर 36 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डॉक्टर शंभुलिंग पाटिल का सेट असाइड करके आज जजमेंट आया है। तकरीबन उनके 14 बैंक अकाउंट्स हैं जो उनके वाइफ और डिपेंडेंट्स के बारे में हैं, जो बैंक अकाउंट के डिटेल्स उन्होंने बिल्कुल सप्रेस किए हैं और अफिडेविट में नहीं है ऐसे लिखा है, जहाँ पे लिखना चाहिए था कि उनके जो भी बैंक के डिटेल्स या फिर एसेट्स हैं वो दिखाना चाहिए था। उनका LIC है, डिबेंचर्स है, वो सब उन्होंने हाइड किया है, सप्रेशन किया है। उसके अलावा उनके एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके विलेज में, तकरीबन 56 एकर्स, राउंड अबाउट 56 एकर्स प्रॉपर्टी को वो अफिडेविट में कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है इल्ला बोल के लिखे हैं। तो इस तरीके से झूठा अफिडेविट, और डिक्लेरेशन में उन्होंने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन नील बोल के दिखाया है। उनका टोटल असेट जो डिक्लेरेशन के कॉलम में लिखना ज़रूरी है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, उसमें बिल्कुल जीरो इल्ला बोल के लिखे हैं। इतना एसेट, इतना सब उनका बैंक अकाउंट, इतना मूवेबल्स रहने के बाद, और ख़ुद वो एक डॉक्टरेट हैं, PhD डॉक्टरेट हैं, रहने के बाद ज़िम्मेदार से अपना आंसर देना चाहिए था, ज़िम्मेदारी से अपना अफिडेविट देना चाहिए था। गैर जिम्मेदारी तरीके से वो लोग डेलिब्रेटली जानबूझ के पब्लिक से छुपाने के लिए ये झूठा अफिडेविट और झूठा डिक्लेरेशन स्टेट इलेक्शन कमीशन के सामने भी दिया है, और यहाँ पर भी जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हैं उसका सर्टिफाइड कॉपी में भी वो जो मैं बोल रही हूँ वो सब इल्ला बोल के लिखे हैं। तो इस सिलसिले में मैंने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया था। तो कोर्ट के सामने ये सारे प्रूफ हमने प्रोड्यूस किए हैं, कोर्ट हमारे प्रूफ को मानकर इलेक्शन पिटीशन अलाउ कर। इवत दिवस इलेक्शन पिटीशन मूरू वार्ड नंबर 36 ऐनितो अली कांग्रेस बीजेपी इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट्स वार्ड नंबर 36 शंभुलिंग पाटील वार्ड नंबर 36 ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಗೆದ್ದಂಥ ಒಂದು ವೇ ಇದೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ
ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಕೋರ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕುಲಂಕಷವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅವರು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅವಲಂಬಿತರ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 36ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಂಭುಲಿಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ಇದನ್ನು ನಲ್ ಅನ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತದಾರರಿಗೂ ಸಹ ಸುಳ್ಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದೆಯಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಾನೂನು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ನೀಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.